वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो वेल, आपका स्वागत है नॉर्मी रेसलिंग में। तो इस वीडियो के अंदर जॉन सिना के रिटर्न को लेकर एक काफ़ी बड़ी बैड न्यूज़ है, तो इस बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्सो डिस्कस करने वाले हैं कि भाई सैमी जेन ब्लड लाइन को लेकर भी और भी काफ़ी कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं ट्विटर पे, तो इस बारे में बात करेंगे। और मंडे नाइट रॉक की व्यूअरशिप कितनी देखने को मिली, इसको भी लेकर एक काफ़ी बड़ी अपडेट है। और ब्रे वाइट का हमें क्या कुछ प्लान देखने को मिलेगा फ्यूचर, तो इस बारे में बात करेंगे। एंड ऑल्सो और भी अच्छी खासी अपडेट है इस वीडियो के अंदर, तो भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको यहाँ पे हमेशा लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहती है, सो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो चलते हैं फ्रेंड टॉपिक पे आते हैं। एंड टॉपिक की शुरुआत करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कैरियन क्रॉस को लेकर। तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि कैरियन क्रॉस को लेकर अपडेट हमें यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि करंटली कैरियन क्रॉस के लिए रसलमेनिया 39 के लिए कोई भी प्लान्स नहीं है, यानी कि कैरियन क्रॉस को लेकर कोई भी डिस्कशन नहीं देखने को मिल रहा है कि रसलमेनिया 39 के लिए उनका क्या प्लान देखने को मिलेगा, यानी कि चांसेस काफ़ी कम है कि हमें कैरियन क्रॉस रसलमेनिया 39 के अंदर कंपीट करते हुए दिखाई दें। तो देखते हैं भाई कैरियन क्रॉस को लेकर क्या कुछ देखने को मिलता है, लेकिन करेंटली यही कुछ अपडेट देखने को मिल रहा है कि उनको लेकर कोई भी प्लान्स नहीं है। होप करते हैं कि कोई ना कोई प्लान बन जाए तो काफ़ी बढ़िया रहे कैरियन क्रॉस को लेकर। वैसे अगले अपडेट की तरफ चलते हैं, तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है डकोटा काय को लेकर। तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि डकोटा काय को लेकर अपडेट हमें यहाँ पर यह देखने को मिली है कि कल के मंडे नाइट रॉ के अंदर डकोटा काय हमें इंजर्ड होते हुए दिखाई दी है, लेकिन वो जो इंजरी हमें देखने को मिली थी डकोटा काय की, वो ज़्यादा सीरियस इंजरी नहीं है, थोड़ी बहुत माइनर इंजरीज है जो कि बहुत ही जल्द ठीक भी होते हुए दिखाई दे जाएंगी। यानी कि डकोटा काय पूरी तरह इंजर्ड नहीं है, वो हमें एक ही दो हफ्ते के अंदर रिकवर होके वापस भी आते हुए दिखाई दे जाएंगी, जो कि काफ़ी अच्छी खासी न्यूज़ है। होप करते हैं कि काफ़ी बढ़िया तरीके से रिटर्न करते हुए दिखाई दे जाए वापस जल्दी ही। अगले अपडेट की तरफ चलते हैं, तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है लोगन पॉल को लेकर। तो जैसा अगले अपडेट की तरफ चलते हैं, तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है सैमी जेन को लेकर। तो सैमी जेन ब्लड लाइन से रिलेटेड जितनी भी मेमरीज थी, सारे मेमरीज को, सारे फोटोग्राफ्स को, सारी चीज़ों को वो ट्रैश में, यानी कि कचरे के डब्बे में डालते हुए दिखाई देते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर उनका ट्वीट देख सकते हो। ट्वीट में वो चीज़ करते हुए दिखाई देते हैं, मतलब ट्वीट करके कहते हुए दिखाई देते हैं कुछ तो नहीं, लेकिन ये ट्रैश बैग में सारी चीज़ें जो कि डालते हुए दिखाई देते हैं ब्लड लाइन से रिलेटेड। तो ओवरऑल यहाँ पर सैमी जेन काफ़ी ज़्यादा चिढ़ चुके हैं ब्लड लाइन से, और ब्लड लाइन से अलग होने के बाद ये कुछ हरकतें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है सैमी जेन की तरफ से। अब देखने से ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंस तो भाई सैमी जेन को माफ़ करने वाले हैं नहीं, और तोड़ेंगे काफ़ी गंदा वाला, और ब्लड लाइन के जितने बंदे वो भी काफ़ी बुरी तरीके से पीटने वाले। तो देखते हैं भाई क्या कुछ देखने को मिलता है आने वाले मंडे नाइट रॉ के अंदर और स्मैकडाउन के अंदर। अगले अपडेट की तरफ चलते, तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है मंडे नाइट रॉ के व्यूअरशिप को लेकर। तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि इस हफ्ते हमें मंडे नाइट रॉ का जो व्यूअरशिप देखने को मिला है वो 2.1 मिलियन देखने को मिला है। यस, आपने सही सुना, 2.1 मिलियन व्यूअरशिप देखने को मिला है। इसके पिछले हफ्ते जो हमें व्यूअरशिप देखने को मिला था वो 2.34 मिलियन देखने को मिला था, यानी कि इस हफ्ते जो व्यूअरशिप है वो हमें बढ़ते हुए दिखाई दी नहीं है, घटते हुए दिखाई दिए। यस, आपने सही सुना, घटते हुए दिखाई दी है, क्योंकि 2.34 मिलियन से 2.1 मिलियन आते हुए दिखाई दी है। लेकिन मैं खुश हूँ कि भाई 2 मिलियन पार है, और होप करते हैं कि आने वाले मंडे नाइट रॉ की जितनी भी व्यूअरशिप हो वो 2 मिलियन के ऊपर ही रहे, या फिर 2 मिलियन रहे, मतलब 2 मिलियन रहे तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो देखते हैं भाई व्यूअरशिप हमें कितना कम होते हुए दिखाई देती है आने वाले समय में, या फिर अप होते हुए दिखाई देती है। तो इसके ऊपर भी आपके थॉट्स ओपिनियंस कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। अगले अपडेट की तरफ चलते हैं, तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है ब्रे वाइट को लेकर। तो ब्रे वाइट का रॉयल रंबल के अंदर हमें जो कुछ भी देखने को मिला था काफ़ी इंटरेस्टिंग था, जहां पर ब्रे वाइट ने एले नाइट को काफ़ी ज़्यादा इजीली हरा दिया। लेकिन अब हमें देखने से ऐसा लग रहा है कि जो ब्रे वाइट और एले नाइट का फ्यूड है वो हमें ख़त्म होते हुए दिखाई दे चुका है। अंकल हाउडी ऊपर से कूदते हुए दिखाई दिए थे, वैसे भले से एले नाइट के ऊपर नहीं कूदे, लेकिन फिर भी ऐसा दिखाया जा रहा था कि ओवरऑल फ्यूड ख़त्म है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर हमें हो सकता है कि इस फ्यूड को एक बार फिर से करवाते हुए दिखाई दे सकती है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई हो सकता है कि हमें रसलमेनिया के लिए भी ब्रे वाइट के लिए एक नया अपोनेंट ढूंढते हुए दिखाई दे सकती है। करंटली यहाँ पर ब्रे वाइट जो कि एक तरीके से फ्री हैं, तो वो किसी भी सुपरस्टार के साथ में रसल करते हुए दिखाई दे सकते हैं।
फर्स्ट उन्होंने एल ए नाइट के साथ में रसल कर लिया है, थोड़ी बहुत और फ्यूड हमें चलते हुए दिखाई देगी, देन इसके बाद ये फ्यूड हमें खत्म होते हुए दिखाई देगी और देन इसके बाद हमें रसलमेनिया के लिए फ्यूड देखने को मिल सकता है ब्रे वाइट के लिए। अब लेट्स सी वो सुपरस्टार हमें कौन देखने को मिलता है जिसको ब्रे वाइट परेशान करने वाले हैं, लेकिन ओवरऑल जो भी होगा भाई काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। वैसे आपको क्या लगता है कि ब्रे वाइट का हमें नेक्स्ट अपोनेंट कौन देखने को मिलना चाहिए वो मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर कॉमेंट करके ज़रूर बता देना। अगले अपडेट की तरफ चलते हैं तो यह अपडेट हमें देखने को मिल रहा है 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना को लेकर। तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि जॉन सीना को लेकर एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट देखने को मिला है। तो जॉन सीना क्या हमें WWE के अंदर रिसेंट में देखने को मिलेंगे, तो इसको लेकर अपडेट हमें यहाँ पर यही देखने को मिल रहा है कि जॉन सीना करेंटली अपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर मतलब एक मूवी के लिए शूटिंग में बिजी हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में है मूवी में शूटिंग में बिजी है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर जॉन सीना को लेकर अपडेट देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स कि हमें आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर जॉन सीना का हमें रिटर्न नहीं देखने को मिलेगा और रिटर्न के कोई भी चांसेस नहीं है, यानी कि आने वाले कुछ समय के लिए हमें जॉन सीना WWE के अंदर तो नहीं देखने को मिलेंगे, वो अपने मूवी में बिजी रहने वाले हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर अपडेट देखने को मिल रहा है। एंड ऑल्सो होप है कि हमें जॉन सीना रसल तो करते हुए दिखाई देंगे, यानी कि प्लान्स है उनके लिए रसलमेनिया 39 के लिए, लेकिन करेंटली हमें अभी जॉन सीना नहीं देखने को मिलेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि हमें जॉन सीना एलिमिनेशन चेंबर के बाद शायद देखने को मिले। अब देखते हैं भाई रसलमेनिया फ्यूड उनके लेकर क्या कुछ देखने को मिलती है, जॉन सीना वर्सेस ऑस्टिन थियरी, वेल इसके ही चांसेस मुझे लग रहे, तो लेट्स सी वैसे क्या कुछ देखने को मिलता है। करेंटली यही कुछ यहाँ पर जॉन सीना को लेकर अपडेट देखने को मिल रहा है। थोड़ा बैड न्यूज़ है कि हमें करेंटली जॉन सीना अपीयर नहीं होते हुए दिखाई देंगे WWE के अंदर। तो इन सारे अपडेट्स के ऊपर आपके थॉट्स आपके ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करने कर सकते हो। इंस्टाग्राम एंड ट्विटर का लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाके जरूर फॉलो भी कर लो, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको यहां पे हमेशा लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहती है। सो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेस को इसने RKO था लगाया।